हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल खुशबू सौंदर्य में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बताने वाली हूँ ग्रीन मेकअप लुक। सावन में तो ग्रीन सबके स्पेशल होते हैं, इसलिए मैं ग्रीन मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो ये लुक मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ, चलिए आगे दिखाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये मेकअप लुक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर लगा रही हूँ, जिससे मेरी फेस में ग्लो आ जाती है और मेरी फेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग कोई सा भी प्राइमर लगा सकते हैं, पर मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है 180 वर्म नेचुरल। तो ये कलर मेरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से सूट कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे पहले अपनी फिंगर की हेल्प से पहले फैला ले रही हूँ फाउंडेशन को, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से लगाने से ज़्यादा अच्छी तरह से बेस फेस में निखर के आती है। तो आप लोग भी ऐसे लगा सकते हैं। अगेन इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है और अपने नेक पे भी लगाना है। ये जो फाउंडेशन है ये मुझे बहुत ही पसंद आई है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए कॉन्टोर कर रही हूँ फेस में, तो चलिए कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है कंसीलर, और मैं कंसीलर के लिए वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लगा रही हूँ। वो कंसीलर बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैं कंसीलर को अपने हाई पॉइंट्स पे लगा ले रही हूँ, जिस एंड ये कंसीलर फेस में बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से स्मूथली ये ब्लेंड हो रही है। अगेन मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। ये कॉम्पैक्ट बहुत ही अमेजिंग है, ये कॉम्पैक्ट मेकअप को अच्छी तरह से सेट कर देती है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। उसके बाद मैं जो लगा रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल है, ये ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है, जिससे आईब्रो बहुत ही अच्छी लगती है लगाने से। ब्लैक लगाने के बाद पूरा ब्लैक लगने लगती है आईब्रो, तो मैं ये ब्राउन कलर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आई के लिए पहले ट्रांजेक्शन कलर लगा रही हूँ, बहुत ही हल्का कलर आपको लेना है ट्रांजेक्शन कलर के लिए। मैं क्रीज लाइन के पास ये कलर लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं सिमरी कलर की ग्रीन कलर जो आती है, मैं उस शेडो से क्रीज लाइन के नीचे वो ग्रीन कलर लगा रही हूँ, सिमरी कलर की ग्रीन कलर लगा रही हूँ। एंड आई मेकअप के लिए मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ। इस मेकअप को कोई भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं NYB का ये लाइनर लगा रही हूँ, और लाइनर को मैं बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं निकाल रही हूँ। एंड फिर मैं आई लेसेस कर्लर की हेल्प से आई लेस कर्ल कर ले रही हूँ, जिससे आँखें बड़ी लगती है। उसके बाद मैं NYB का काजल यूज कर रही हूँ, ये काजल बहुत ही अच्छी है। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर ख़रीदें। उसके बाद में काजल लगाने के बाद मैं उसके नीचे से लाइनर लगा ले रही हूँ, क्योंकि काजल फैले नहीं, काजल में जैसे लगा रही हूँ वैसा ही टिकी रहे दिन भर, इसीलिए। उसके बाद में हाइलाइटर लगा रही हूँ, अपने हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगा ले रही हूँ, और मैं फिर ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश मुझे बहुत ही पसंद है, मैं ब्लश लगा ले रही हूँ, और फिर अब मैं कलर बार का लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये लिपस्टिक बहुत 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 पसंद है मुझे, ये कलर इसका जो शेड है मुझे बहुत पसंद है, और आप लोग देख सकते हैं ये लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है लगाने के बाद। सो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर इसे ख़रीदें इस लिपस्टिक को, और एक बार लगा के ज़रूर देखें।
फिर मैं अपना मंगलसूत्र पहन ले रही हूँ, थोड़ा ज्वेलरी झुमके पहन ले रही हूँ। मेकअप लुक तो कंप्लीट हो चुका है, अब बस मैं बिंदी लगा के हेयर स्टाइल बना रही हूँ। ये हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल है, आप लोग कोई भी इसे बना सकते हैं और ये हेयर स्टाइल सभी के फेस में ही अच्छी लगती है, तो आप लोग कोई भी इस हेयर स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मैं पीछे क्लेचर लगा लूँगी, आप खुला बाल भी रख सकते हैं, चोटी भी बना सकते हैं। मैं क्लेचर लगा ले रही हूँ और उसके बाद थोड़ा लटे वगैरह निकाल ले रही हूँ। और फिर मैं जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंदूर, मैं इसे लगाती हूँ और अब मेरा फाइनल लुक है ये। मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।